द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, दिस इज अ वेरी गुड कोट गिवन बाय समवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी कोट को आगे ले जाएगा कि जो आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है उसको करने के लिए आपको छोटे छोटे कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं, उसके लिए ऐसा ही एक स्टेप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपको आपका चैनल आओ एसेट्स बनाए पे, मैं हूं सीए आलोक शुक्ला और आज हम वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में अपने बात करते हैं एसेट क्रिएशन के लिए, तो आपको पहले ये समझना होगा कि आपकी सबसे बड़ी एसेट क्या है। आपकी सबसे बड़ी एसेट है आपकी हेल्थ। अगर आप ठीक रहोगे तो आप दुनिया में बहुत सारे एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ही ठीक नहीं रहे तो दुनिया में आप कोई भी एसेट क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं हेल्थ इज़ योर बिगेस्ट एसेट, हेल्थ ही आपकी एसेट है। तो आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, जो भी हजार्ड्स इस समय चल रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज का फ्रेंड्स टॉपिक हमारा यही है कि हम अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करें, हेल्थ पे होने वाले खर्चों को कैसे बचाएं और किस तरह से उसी को लिंक करते हुए हम अपनी वेल्थ को क्रिएट करें। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसमें इंक्लूड होता है, क्या उसमें एक्सक्लूजन होते हैं, उसमें क्या हमें टैक्स बेनिफिट होते हैं, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेते समय और किस तरह से वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेगा। इसके साथ ही हम फिर इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस बताऊंगा जिसका प्रीमियम कभी भी लाइफ टाइम में नहीं बढ़ेगा। अगर आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया उसका प्रीमियम लाइफ टाइम में कभी भी नहीं बढ़ेगा, चाहे आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, 65 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, उसका प्रीमियम कभी नहीं बढ़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत एक्सक्लूसिव इंश्योरेंस है, तो बने रहिए इस वीडियो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस में मेजर इंक्लूजन और मेजर एक्सक्लूजन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहाँ पे कि आप इंश्योरेंस लेने के बाद अगर मान लीजिए आपको कोई भी बीमारी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हॉस्पिटलाइजेशन की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में आप हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं और हॉस्पिटल में आपको अपनी जेब से कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपको पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम सेटल करेगी और आपको कोई पैसे नहीं देने, तो आपके बहुत सारे पैसे इस वजह से बच जाते हैं। तो बेसिकली ये हेल्थ इंश्योरेंस है। अब हम ये जानते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमने जितने भी पैसे जोड़े हुए हैं, मान लो हमने किसी साल में 6 लाख रुपये जोड़ लिए, 2-4 साल की कमाई करके हमने उस पैसे को जोड़ लिया, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो हमने 2-4 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए जोड़े हैं ये हमारे कहीं ख़राब ना चले जाएं, बर्बाद ना हो जाएं। क्योंकि अगर कोई आपके घर में बीमार हो गया, पूरी फैमिली में कोई भी बीमार हो गया, तो उस केस में आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके ये जो भी 10-5 लाख रुपए आपने सेव किए हैं वो आपके नहीं बचेंगे और वो आपके सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। तो आपके जो भी पैसे आपने सेव किए हैं वो बचने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, दवाइयों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, बहुत सारे नए नए डिसीज़ निकल के आ रहे हैं, जैसे आपने कोविड देखा एक नया डिसीज़ आया, इसी तरीके से बहुत सारे नए नए डिसीज़ निकलते हुए आ रहे हैं। तो आपको उन डिसीज़ के अगेंस्ट आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए पूरी की पूरी प्रोटेक्शन चाहिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें भी आप देखिए बहुत तरह की बीमारियां आ रही हैं, लोग बाहर का खाना खाते हैं और उसकी वजह से उनके स्टमक में और बाकी बॉडी पार्ट्स में कई जगह दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो आपके पैसे जो आपने सेविंग किए हुए हैं वो बचे रहें, कभी किसी को क्लेम की ज़रूरत पड़े तो आपको आराम से क्लेम मिल जाए, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे आपका प्रीमियम भी उतना कम आएगा, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी अर्ली एज में हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, कम प्रीमियम में आपको एक हाई कवर मिल जाता है। अब सवाल आता है कि हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एक परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय। तो अगर हम बात करें तो हमें 15 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय। सबसे पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उस कंपनी के पास अच्छा नेटवर्क हॉस्पिटल होना चाहिए। अपने आसपास में देखें और पता करें कि नेटवर्क हॉस्पिटल कौन कौन से हैं और कौन सी कंपनी है जो कि मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स को कवर कर रही है। दूसरा पॉइंट आप ये देखिए कि वो कंपनी आपको कैशलेस की सुविधा दे रही हो, ऐसा ना हो कि वहाँ रीइंबर्समेंट का फीचर ज़्यादा हो, क्योंकि रीइंबर्समेंट में टाइम लगता है, प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत सारा पेन लेना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे कैशलेस की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल कैशलेस नेटवर्क में आता हो। तीसरा पॉइंट आता है प्री एंड पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपके हॉस्पिटल के एडमिशन से पहले के कुछ खर्चे और आपके हॉस्पिटल के एडमिशन के बाद के कुछ खर्चे जो भी हैं वो पॉलिसी उन खर्चों को कवर कर रही हो। कुछ पॉलिसियाँ
पहले के 60 दिन और बाद के 180 दिन तक उन खर्चों को कवर करती हैं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल से रिलीव होके आ गए, डिस्चार्ज होके आ गए, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं जो आपको अगले 4 महीने तक खानी है, कुछ टेस्ट ऐसे लिखे हैं जो आपको नियमित रूप में करवाते रहना है आगे 4-6 महीने तक, तो क्या वो कंपनी आपको उन खर्चों के पैसे दे रही है? आपको ये देखना है। तो प्री और पोस्ट जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके हॉस्पिटलाइजेशन की, वो सारे कवर होने चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सवाल आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। आप जिस कंपनी का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 90% या उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए। कुछ कंपनीज का 92, 96, 95 होता है, तो आपको ये देखना है अगर 90% से ऊपर का किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है तो उस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है कंपनी के पास कितने क्लेम आए, उसमें से उसने कितने क्लेम सेटल किए। तो अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ऊपर है तो आप उस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद आता है डे केयर प्रोसीजर्स। हॉस्पिटलाइजेशन आपको पता है अगर 24 आवर्स का होगा तभी हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम मिलता है, लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ इलनेस, कुछ प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2-4 घंटे में होकर ख़त्म हो जाते हैं, उसमें कोई 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये देखना है कि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस में डे केयर फैसिलिटी है तभी आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को लें, अदरवाइज आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को अवॉइड करें। उसके बाद आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, या कुछ कंपनीज इसको रीफिल बेनिफिट कहती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी उस 5 लाख के खर्च होने की स्थिति में आपको उसी साल में 5 लाख रुपये और दे देती है। मान लीजिए आपने हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है और आपको कोविड हो गया और 5 लाख रुपये आपके खर्च हो गए, तो कंपनी क्या कहती है कि आपके 5 खर्च होने के बाद हम आपको 5 लाख और भी देंगे उसी साल में, जो आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हैं या आप अपने बच्चों के ऊपर या फैमिली मेम्बर्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं। कुछ कंपनीज सेम पर्सन को वो रिस्टोरेशन का बेनिफिट नहीं देती हैं और सेम इलनेस पर भी नहीं देती, लेकिन कुछ कंपनी देती हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लें जहाँ पे सेम पर्सन और सेम बीमारी के लिए ही दोबारा भी रिस्टोरेशन का बेनिफिट मिल जाए। इवन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे मैक्स बुपा एक ऐसी कंपनी है जो आपको रिस्टोरेशन मल्टीपल टाइम्स देती है साल में, क्योंकि बाकी कंपनी सिर्फ एक बार देती है, मैक्स बुपा एक ऐसी कंपनी है जो कि मल्टीपल टाइम्स रिस्टोरेशन देती है, मतलब जितनी बार आपको जरूरत पड़ेगी उतनी बार वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का रिस्टोरेशन देती रहेगी। इसके बाद हम आते हैं कोपे के ऊपर। कोपे का मतलब होता है कि जब भी आपका कोई क्लेम आ रहा है तो क्या 100% कंपनी पे कर रही है या उसमें कुछ पोर्शन आपको भी पे करना पड़ रहा है। कई बार क्या होता है कंपनीज कहती हैं कि 80% हम देंगे, 20% आप दोगे या 30% आप दोगे, तो आपको ये कोशिश करनी है कि कोपे वाली कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी है। आपको ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जहाँ पे आपकी फैमिली को पूरा क्लेम मिले, आपको अपने जेब से कुछ भी देना ना पड़े, क्योंकि आपने प्रीमियम भी दिया उसके बाद आप कोपेमेंट में भी जाके आपको कुछ पोर्शन ऑफ एक्सपेंसिस देने पड़ गए तो आपके लिए वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इसके बाद आता है कैपिंग। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वहाँ पे कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, रूम रेंट में या डॉक्टर्स की फीस में या किसी टेस्ट में या मैटरनिटी में। कोशिश करना है कि कहीं कोई कैपिंग ना हो, स्पेशली रूम में। ऐसा ना हो कि आप रूम सिर्फ 3,000 रुपये तक का ले सकते हैं, 4,000 का ले सकते हैं, 5,000 तक का ले सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जो भी बाकी एक्सपेंसेस होंगे, जिस तरह से रूम रेंट में आपको शेयरिंग देनी पड़ेगी उसी तरीके से बाकी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वहाँ पर भी आपको प्रोपोर्शनेटली शेयरिंग देनी पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि आपके रूम रेंट में कहीं कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए, कैपिंग फ्री वाला आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है वेटिंग पीरियड। कई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ कुछ 1 साल का वेटिंग पीरियड देती हैं, कुछ 2 साल का, कुछ 3 साल का, कुछ 4 साल का। कुछ स्पेसिफिक इलनेस होती हैं जो मैं अभी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में कवर करूंगा कि जहाँ पे कि 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के लिए। इसी तरीके से अगर कोई बीमारी आपकी प्री एग्जिस्टिंग है जो कि पहले से आ चल रही है तो उस बीमारी पे कुछ कंपनियाँ 3 साल का वेटिंग पीरियड लगाती हैं, कुछ कंपनियाँ 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी थायराइड या बीपी पहले से है तो वो कंपनी कहेगी थायराइड और बीपी से संबंधित कोई भी समस्या आपको आई, आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम शुरू के 3 साल या 4 साल कोई क्लेम नहीं देंगे। तो आपको समझना है कि उस पॉलिसी में आपके वेटिंग पीरियड्स क्या क्या हैं। इसके बाद आता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस में आपको क्या समझना है कि वो कंपनी आपको कितना नो क्लेम बोनस दे रही है। मान लीजिए आपने एक 5 लाख की पॉलिसी ली है और आपने इस साल में कोई क्लेम नहीं लिया, जब आप अगले साल रिन्यूअल पे गए, जिस तरह से आपको गाड़ी के इंश्योरेंस में आपने देखा होगा कि आपको नो क्लेम बोनस मिलता है, वहाँ पे प्रीमियम घट जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका 5 लाख का कवर है 10-20-50% बढ़ जाएगा। आपकी 5 लाख की पॉलिसी अगले साल 7.5 लाख की हो जाएगी। तो आपको ये समझना है कि आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस कितना है। उसके बाद आता है हेल्थ चेकअप। आपको ये देखना है कि क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कोई हेल्थ चेकअप का बेनिफिट दे रही है। अगर वो कंपनी आपको हेल्थ चेकअप का बेनिफिट दे रही है फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से तो वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर उस पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद आता है टॉप अप कवर। क्या
वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको टॉप अप कवर भी ऑफर कर रही है। टॉप अप कवर का मतलब होता है कि जितना आपने कवर लिया हुआ है, मान लीजिए आपने 5 लाख या 10 लाख का कवर लिया हुआ है, आप एक हाई कवर सोच रहे हैं जो कि सस्ते रेट पे आपको मिल जाए, तो उसके लिए आते हैं टॉप अप कवर। वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है जिसकी कॉस्ट है 18,000 रुपये, तो कंपनी कहती है अगर आप मात्र 2,000 रुपये और दे देंगे तो आपका 18,000 से 20,000 तो प्रीमियम हो जाएगा, लेकिन जो आपका 10 लाख का कवर है वो 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ का हो जाएगा, तो उतना हाई कवर आपको मिल जाएगा मात्र 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। इसको बोलते हैं टॉप अप कवर। अब सवाल ये आता है कि हमें 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए या क्यों लेना चाहिए, क्यों हम 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस लें जबकि 10 लाख या 5 लाख अपने आप में सफिशियंट है। उसके लिए रीज़न ये है कि जो भी इंडिया में जो भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपने देखी होंगी, जैसे कैंसर है, किडनी से रिलेटेड डिसीजेज हैं, या और जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जहां पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वहां पे अगर आपके पास हाई कवर है और अगर वहां पे 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए लग गए तो वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से ही क्लेम हो जाए, क्योंकि अगर आपको अलग से उसके पैसे देने पड़े तो आपके लिए वो बहुत पेनफुल हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखना है कि क्या वो कंपनी आपको अगले साल के रिन्यूअल पे कुछ डिस्काउंट दे रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको कहती हैं कि अगर आप वॉक करते हैं और अगर पर्टिकुलर स्टेप्स को एक्सीड करते हैं उस पूरे साल में, तो आपको कंपनियां 20%, 10%, 30%, 40% तक का डिस्काउंट देती हैं। इवन एक कंपनी तो मैंने ऐसी भी सुनी है जो 100% तक का भी डिस्काउंट देती है, उसका नाम है आदित्य बिड़ला, वो आपको 100% तक का डिस्काउंट देती है। तो आपको ये देखना है कि क्या ऐसा कोई डिस्काउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आपको देखना है कि क्या वो कंपनी आपको हॉस्पिटल कैश का फैसिलिटी दे रही है। हॉस्पिटल कैश का मतलब यह होता है कि जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं उतने दिन वो कंपनी आपको कुछ ना कुछ पैसे रोज के हिसाब से देती है। तो मान लीजिए आप 10 दिन एडमिट हैं, हर दिन के हिसाब से कंपनी आपको 500 रुपये दे रही है, तो 10 दिन के 500 रुपये के हिसाब से आपको 4-5 हज़ार रुपये इस तरह से मिल सकते हैं। बेसिकली वो आने जाने, ट्रैवलिंग, खाने पीने के से रिलेटेड होता है वो कंपनियां वो देती हैं। इसके अलावा आपको ये देखना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि इसमें टैक्स बेनिफिट कितना है। तो जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आप 60 ईयर से कम की एज के हैं और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो 25,000 रुपये का जो भी प्रीमियम आप पे करते हैं, 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80D। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, 60 ईयर से ज़्यादा के हैं, तो उस केस में उनको 25,000 का और टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप भी और आपके पेरेंट्स भी दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, तो उस केस में दोनों 50,000 वाली कैटेगरी में आ गए, तो उनको भी 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा और आपको भी 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो उस केस में लगभग आपको 1 लाख रुपये तक के प्रीमियम पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है, आपके काम आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्लूजन्स की और एक्सक्लूजन्स की। इंक्लूजन्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली कि इंक्लूजन्स में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सक्लूजन्स की जहाँ तक बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेज होते हैं, जैसे कि हर्निया, जैसे कि साइनस, जैसे कि ध्यान रखना है कि वेटिंग पीरियड्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट 24 मंथ्स तक कुछ स्पेसिफाइड इलनेस एक्सक्लूड होती हैं, जैसे कि साइनस हो गया, जैसे कि पाइल्स हो गया, जैसे कि आपके स्टोन का रिलेटेड कोई डिसीज़ हो गया, जैसे कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया। इसी तरीके से कुछ और भी डिसीजेज हैं जो कंपनी शुरू के 24 महीने में कवर नहीं करती है, 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इसके अलावा अगर कोई आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो उसका 3 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, 3-4 साल के बाद ही कवर होगा। पॉलिसी लेने के फर्स्ट 30 डेज तक भी आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंट। तो 3 तरह के वेटिंग पीरियड हो गए। पहला वेटिंग पीरियड हो गया 30 डेज का एक्सेप्ट एक्सीडेंट, दूसरा हो गया स्पेसिफाइड डिसीजेस का जो हो गया 24 महीने या 2 साल, तीसरा हुआ अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो वहां पे भी आपको वेटिंग पीरियड 2, 3 या 4 साल का आ सकता है। कुछ और एक्सक्लूजन्स की बात करें तो उसमें जैसे कि ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ, या आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, या आप अपनी ब्यूटी के लिए कुछ करा रहे हैं, या मान लीजिए अगर आप कोई जेंडर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, या आप अल्कोहलिक हैं, आप नॉन अल्कोहलिक बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अगर आप कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स में चले गए हैं जहाँ पे कि कोई हजार्डस स्पोर्ट्स है, वैसा कोई दिक्कत है, तो वहाँ पे भी आपको क्लेम नहीं मिलता। अगर आप हॉस्पिटल में सिर्फ ऐसे ही गए हैं सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए कि मुझे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, इस केस में आपको क्लेम नहीं मिलता। आपको एड्स रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होती है तो उसका कोई क्लेम नहीं मिलता। इसके अलावा इसके हिसाब से अगर कोई वॉर हो गई, कोई हॉस्टैलिटी हो गई, कोई एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी हो गया, तो वहाँ पे आपको क्लेम नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है। तो आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ये पूरा पूरा ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं। तो हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर दी कि क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं। इसके अलावा आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं। फैमिली फ्लोटर में आप हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे, पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इंडिविजुअल पॉलिसी में आप सिंगल पॉलिसी लेते हैं,
एक साल का प्रीमियम भी एक साथ पे कर सकते हैं या मल्टी ईयर का प्रीमियम ले सकते हैं। मल्टी ईयर का प्रीमियम लेने के केस में आप 2 साल या 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं, वहाँ पे कंपनीज आपको डिस्काउंट देती हैं। इसके अलावा आपको एम्बुलेंस कवर, ओपीडी कवर, मैटरनिटी कवर भी इंश्योरेंस पॉलिसीज देती हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या आपके लिए वो फैसिलिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो फैसिलिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन आप ये मानिए कि आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा, आपकी वेल्थ बहुत अच्छी क्रिएट होगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में कौन सी हैं जिसका कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, अगर आप टॉप का पूछेंगे नंबर 1 तो मैं कहूँगा मैक्स बुपा। इसके अलावा HDFC बहुत अच्छी कंपनी है, स्टार बहुत अच्छी कंपनी है, आदित्य बिरला बहुत अच्छी कंपनी है और बजाज बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये 5 कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं जहाँ पर कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस बताऊंगा जिसका प्रीमियम लाइफ टाइम में कभी भी नहीं बढ़ता। तो SBI आरोग्य प्लस एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे कवर हो सकते हैं। उसका प्रीमियम 3 लाख रुपये का मात्र 10,502 रुपये आता है। वो आप चाहे 25 साल के हैं तब भी इतना ही प्रीमियम आएगा, अगर आप 65 साल के हैं तब भी इतना ही प्रीमियम आएगा और वो प्रीमियम बढ़ता नहीं है। विश्वास मानिए, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, SBI का प्रोडक्ट है। अगर आपके पेरेंट्स 60 या 62 या 65 तक के हैं तो मार्केट में अगर आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस देखने जाएंगे तो वो आपको कम से कम 30-35-40-45 हज़ार रुपये तक का आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको SBI का 3 लाख रुपये का प्रोडक्ट 10,502 रुपये में मिलता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपकी एज ज़्यादा है या पेरेंट्स की एज ज़्यादा है, 65 तक के हैं, तो इस प्रोडक्ट को मिस मत करिए, ज़रूर लीजिएगा। वेल्थ ऐसे ही बनेगी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जो कि बात कर रहा था हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपके सारे डाउट्स और पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदिए क्योंकि हम 3P प्लान की बात जब भी करते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोविजन और प्लान, तो प्रोटेक्शन का मतलब टर्म इंश्योरेंस, प्रोविजन का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोविजन और प्लान का मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छी से अच्छी। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी उस जर्नी का, वेल्थ क्रिएशन जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको अपनी हेल्थ को एक एसेट मानना है, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर पैसे खर्च करने हैं। आप उस पैसे को कभी भी खर्चा मत मानिए। जब तक आप उसको खर्चा मानेंगे आप नहीं खरीद पाएंगे। जिस दिन आपने उसको एसेट मान लिया उस दिन आप खरीद पाएंगे। अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए जिन्होंने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है और जो किसी भी कन्फ्यूजन में है या उनके मन में कोई भी डाउट है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।